हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नेहा डूंगराकोटी, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। उधम सिंह नगर जनपद में खटीमा के झनकट क्षेत्र में अनुमति लेकर उसकी आड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर निर्धारित सीमा से अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर जेसीबी का इस्तेमाल करके निर्धारित मात्रा से अधिक मिट्टी खनन किया जा रहा है, और जबकि अनुमति लेने के द्वारा 200 घन मीटर मिट्टी के लिए 2 दिन की अनुमति ली गई थी, लेकिन उसकी आड़ में कई अवैध रूप से गाड़ियों का इस्तेमाल करके अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि संबंधित अधिकारियों से खटीमा क्षेत्र की उपजाऊ जमीन पर मिट्टी खनन की अनुमति लेकर उसकी आड़ में भारी मात्रा में अवैध खनन किया जाता है। वहीं इस मामले में खटीमा SDM रविंद्र मिश्र ने बताया कि यदि अनुमति लेने वाले ने निर्धारित सीमा से अधिक मिट्टी का खनन किया तो जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें 57 व्यक्ति के द्वारा एक परमिशन हमसे लीजिए, इसमें 200 घन मीटर के लिए और 2 दिन के लिए हमने परमिशन दीजिए। उसमें ये कहा गया कि जितने उसके निर्धारित डंपर्स यूज़ होंगे और जो एक मडलोडर जो उसमें खनन के लिए यूज़ होगा उतना ही वो यूज़ कर सकते हैं। उससे अलावा अगर वो उसमें इस्तेमाल कर रहा है उसका हम अभी पटवारी को मैंने सूचित कर दिया, उसमें जाँच करेगा और फालतू जो भी खनन हुआ उसकी नपाई करके उसके